से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लिखा हुआ कितना अच्छा बड़े बड़े GS लैंप एजुकेशन में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि हम लोग का जो टेस्ट सीरीज 13 चल रहा है उसका मैंने अभी तक टोटल 6 पार्ट अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने टोटल अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन जो पॉलिटी के रिगार्डिंग है, जिसमें एक एक चीज सुप्रीम कोर्ट या हर एक कोर्ट वगैरह के रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे क्लियर किया। और मैं आप लोग के रिस्पॉन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को वो अच्छा लग रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कोई उसमें इशू हो तो आप क्या करते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये अभी जो क्या है ना, ये लेक्चर नंबर 7 है अपना, जो टेस्ट सीरीज मीन्स 13 का ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें मैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करूंगा और इसमें एक दो टॉपिक है उसको मैं क्लियर करूंगा, जिससे कोई इशू अगर उसमें कोई हो तो आप क्या करना है जो लेक्चर के नीचे में या लेक्चर के लास्ट में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप क्या करना है उसमें बता देना कि ये इशू यहाँ पे आ रहा है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ आगे आपको क्लियर करके उसको समझा सकूँ। दूसरा चीज़ अभी आपने देखा है कि सॉरी फॉर थोड़ा साउंड आ गया होगा क्योंकि अभी हवा बहुत स्पीड चल रहा है। और दूसरा अभी आपने देखा होगा कि मैंने क्या किया, सी सेट स्टार्ट किया। तो सी सेट जो मैंने स्टार्ट किया तो सी सेट आपका रुकेगा नहीं, हर एक दिन आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन के रिगार्डिंग में आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक यहाँ पे मैं क्लियर कराऊंगा। मैं इसलिए बोला टॉपिक क्योंकि अगर टॉपिक का मैं समरी आपको दे के रखूंगा ना, जिससे क्या होगा आप पेपर में आपको रिकॉल कर पाओगे। मैं क्वेश्चन का एक एक ट्रिक्स एंड ये सब कुछ मैं वहाँ पे आपको क्लियर कराऊंगा। और ये जिस अनुसार अभी आप लोग देख रहे हो, 2 दिन पहले मैंने डाला था, 3 दिन पहले, जिसमें आपका रिव्यू बहुत ही अच्छा है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वो भी एक सीरीज अच्छा आ रहा होगा। और बहुत जल्द एक आप लोग के लिए सरप्राइज है, जो जिसमें क्या है थर्ड में क्या है ऑप्शनल जो अपना है सोशियोलॉजी ऑप्शनल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ आप देखना, ये अभी मैं उसको पूरी एक प्रॉपर कंप्लीट कर लूँ। मैंने 2 लेक्चर डाला था जिसमें आप लोग का थोड़ा सा रिव्यू कम आया, मुझे पता है क्योंकि आप लोग को समझ नहीं आया कि 2 के बाद रुक क्यों गया इसीलिए, लेकिन वो मैं एक साथ ही और अच्छे से पूरी एक तरीके से एक पूरा क्रोनोलॉजी के फॉर्म में उसको मैं वहाँ पे अपलोड करूंगा। हम लोग क्या ना ये आगे और बात करते रहेंगे, अब हम लोग क्या ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हम लोग क्या ना क्वेश्चन जो अभी 13 जो पॉलिटी है उसमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे हम लोग, तो आगे फिर हम लोग बात करते रहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है हमारे प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लो। स्टेटमेंट हम यहाँ पे जो भी है ऑब्लिगेशन जो पार्ट होता है प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी बात करते हैं, सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, ENC हैज टू टेक ऑल द मेजर डिसीजन रिगार्डिंग द डिफेंस ओनली, सोच के देखना, आफ्टर द प्रायर अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट को ऐसे ही कट कर दो। अब तुमने अगर मैंने इतना पीछे पढ़ाया अगर आपने समझ गए होगे तो आप खुद ही बोलेगा हाँ सर बिल्कुल गलत है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, चलो इसी को स्टेटमेंट हम थोड़ा पढ़ ले। आपको मैं एक आर्टिकल 74 मैंने आपको पढ़ाया हुआ था अगर आपको याद हो तो, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है ना, दे शैल हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड करते प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो क्या करता है एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडरेशन सच एडवाइस, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट उसके रिगार्डिंग जो मेजर डिसीजन होते हैं, नॉट ओनली अगर बात करें कि जो भी मेजर डिसीजन होता है डिफेंस डोंट मतलब एक तरीके से जो भी रिक्वायर होता है वो अप्रूव करता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो बोला गया प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई भी बात नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का नहीं, यहाँ पे क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जाती है, वो डिसीजन को एक तरीके से वो ऑन एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट के साथ, और प्रेसिडेंट उस पर क्या करता है एक तरीके से प्रायर अप्रूवल देता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी समझाया लेकिन मैं फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड आर्टिकल 74 के तहत आर्टिकल याद रखना, ये मेन आर्टिकल में लिखते जा रहा हूँ, ENC हैज टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ कैबिनेट रिलेट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल टू द फॉर द लेजिस्लेचर। देखो आर्टिकल यहाँ पे भी एक याद रखना, आर्टिकल 77 मैंने पीछे भी आर्टिकल 77 बताया था, जो भी ड्यूटी होता है प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से क्या होता है एग्जीक्यूटिव, सारा एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, तो वो किसके नेम पे होता है प्रेसिडेंट के नेम पे होता है। जो भी मैटर हो गया कोई भी रिगार्डिंग हो गया तो वो क्या होगा उस सारे का सारा अदर जो भी मतलब डिसीजन होता है वो कम्युनिकेट करेगा प्रेसिडेंट के साथ, और उसके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करेगा उसको बनाया जाएगा। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड एंड से ही या ऑब्लिक सेल हैज टू गो बाय द प्रेसिडेंट से डिसीजन इन एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग द मिनिस्ट्री। देखो एक चीज यहाँ पे समझना, आर्टिकल यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 75, ठीक है,
आर्टिकल 75 हमको ये बोलता है कि बोला जाए कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, पता नहीं मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ, मेरा राइटिंग ऐसे होने लगता है कुछ आधा आधा, मैं कोशिश करूंगा आगे से पूरा लिखूं और सही से लिखूं। ठीक है, तो उसमें ये बोला, और जो भी अदर मिनिस्टर हो वो जो भी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, एक तरीके से क्या होता है, वो डिस्क्रिप्शन होता है एलोकेशन ऑफ हर एक बिजनेस अमाउंट द मिनिस्टर। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल की यहाँ पे नहीं बात की जा रही है, ऐसे गो टू बाय द प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्शन नहीं, तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट थर्ड भी यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड आंसर सी हो गया। और एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है यार बस, जैसे मैंने ये आर्टिकल 75 बताया किसके रिगार्डिंग है, ये कौन, ये एक तरीके से अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, बस कौन करता है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल मैंने सही बताया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए है गुरु, कि सीएम को अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर, ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल आपको बताना है। ठीक है, चलो तो ये चीज आपके लिए क्वेश्चन हो गया, जो चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बता दो, क्योंकि पीछे मैंने बहुत रिवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो क्या बोला जा रहा है, देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू हैव ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द ट्रैवल वेलफेयर फॉर द स्टेट। देखो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन इज चलो दिया हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी इसको यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर करूंगा, अभी एक टॉपिक आपको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, टॉपिक है ट्रैवल के रिगार्डिंग। अगर आप मेरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने क्लियर करवाया ट्रैवल के रिगार्डिंग, अगर वो आप पढ़े होगे तो बेस्ट है, नहीं पढ़े होगे तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर दूंगा आपको, आप क्या करना इस पर गो थ्रू हो जाना। ठीक है, गो थ्रू हो जाना, क्यों, क्योंकि देखो मैंने वो सारा चीज वहाँ पे आपको समझाया है और वो चीज आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, चलो मैंने कुछ पढ़ाया और बच्चे वहां पे जाके देखें, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे आपको समझा ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, सबसे पहले बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट किसके रिगार्डिंग बोला जाए, टू हैव ए मिनिस्ट्रियल टू हैव ए चार्ज इन द चार्ज ऑफ द ट्रैवल अफेयर फॉर द स्टेट। तो सबसे पहले ये याद रख लो, ऑप्शन अगर यहाँ पे बोला जा रहा है, तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दिए हुए, तो ऑप्शन तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गवर्नर, अगर मान लो गवर्नर ऑफ स्टेट है, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट की हम यहाँ पे बात करते हैं, और इंडिया में हर देहा पे सिमिलर पावर एंड फंक्शन होता है जो स्टेट लेवल में होता है, जैसे प्रेसिडेंट का आपको मैंने समझाया सेंटर में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर किया हुआ। तो आप देखो सेंटर, आपको पता है कि सीएम को कौन अपॉइंटमेंट करता है, सीएम को अपॉइंटमेंट करने वाले गवर्नर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंटमेंट करने वाले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंटमेंट करने वाले गवर्नर होते हैं, लेकिन एडवाइस कौन देता है, सीएम देता है। ठीक है, ये चीज आपको पता ही, ऑन एन एडवाइस ऑफ द सीएम। तो अब हम बता रहे हैं कि जो भी, जैसे मतलब कुछ स्टेट होते हैं, जैसे कि कुछ स्टेट का यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे बोला गया कि जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, ये जो कुछ स्टेट होते हैं, तो स्टेट के पास जैसे, और इसमें आई थिंक एक और स्टेट ऐड कर दो, उड़ीसा, ये जो स्टेट होते हैं, तो यहाँ पे बोला गया देश हैव ए मिनिस्ट्रियल इन चार्ज ऑफ द ट्रैवल अफेयर। ठीक है, ठीक है, जो कि एक तरीके से एडिशनल चार्ज लेता है वेलफेयर, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस का रिगार्डिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, कोई भी अगर मान लो कोई भी वर्क वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है, जैसे अगर इसी में ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक एडिशनल क्या है ना, एक एडिशनल मिनिस्ट्री इंचार्ज है ट्रैवल अफेयर के रिगार्डिंग, जो भी काम होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैवल पीपल वगैरह यहाँ पे पाया जाता है। तो मैं अभी इसीलिए बोला कि मैंने जो टॉपिक बताया ट्रैवल के रिगार्डिंग, वो आप एक बार जाके गो थ्रू होना, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, अगर वो नहीं हो तो फिर आप मुझे बताना, मैं उसको और अच्छे से आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, नाउ कम टू द, इसमें थोड़ा सा मैं बता, तो एक स्टेट है जैसे मान लो कि हमारे बिहार स्टेट है, ठीक है, बिहार ये क्या कहते हैं, इस प्रोविजन से एक्सक्लूड हो गए थे, ठीक है, एक्सक्लूडेड थे बिहार, दैट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन। अगर आपसे बात करें कब, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, कब, 2006 में, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए क्या, तो एग्जीक्यूटिव जो एक्सक्लूडेड हो गए थे कब, कौन स्टेट में पूछा जा सकता है, कब, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ, ये भी नहीं कि यही पूछ लेगा, यही पूछेगा कौन सा ऐसा स्टेट है जो इस मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ द ट्रैवल अफेयर से एक्सक्लूड किया गया था, तो बिहार था, कौन से मतलब एक तरीके से कौन से अमेंडमेंट करके, तो 2006 में 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसके रिगार्डिंग ये चीज हुआ था।
और इसी में मैं आगे एक टॉपिक आपको ट्रैवल के रिगार्डिंग मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैं पूरा टॉपिक ही आपको समझाऊंगा, अगर उसमें कुछ इशू हो तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो नाउ कम टू द वन मतलब नेक्स्ट टॉपिक ट्रैवल अफेयर या ट्रैवल की बात, पूरा एक ट्रैवल पीपल की बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक कंसेप्ट में। तो आज का जो अपना फुल टॉपिक ईच एंड एवरीथिंग, इसमें हम पहले कवर करेंगे मतलब जो ये ट्राइबल, मतलब इससे रिलेटेड हम आज एक एक चीज ऐसा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे कि कोई भी इंसान अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय ट्राइबल पीपल, या क्या हो क्या 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 इनिशिएटिव है, या क्या क्या गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे काम किया जा रहा है, कौन सा शेड्यूल मतलब मीन्स फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल क्या होता है, मतलब मैं एक एक चीज आपको आज क्लियर करने का कोशिश करूंगा यहाँ पे, कि मतलब एक तरीके से जो मैंने टॉपिक ही लिखा है ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं आज आपको इसके बारे में एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, और ये यहाँ पे मैं आपको ये चीज भी कंफर्म कराऊंगा कि क्या रीजन है, क्यों ये लोग इतना मतलब सोशली इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो आपसे कोई भी इंसान अगर कुछ भी पूछे तो आपको ये चीज क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो आज आपको मैं एक मतलब बेसिक टू लेके एडवांस आपको ये लगेगा कि क्या मतलब आप इस आज के बाद अगर आप इससे बारे में कोई भी अगर आपसे कुछ भी पूछे तो आप क्या अगर पूरा फ्रेंकली बता सकते हो कि हाँ ये होता है ट्राइबल पीपल और ये चीज़ होता है सिंप्लीफाई, इसमें क्या क्या कौन सा अमेंडमेंट होता है, हर एक चीज़ मैं आज आपको क्लियर करने का यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है ट्रैवल ऑफ इंडिया, ट्रैवल्स ऑफ इंडिया। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिक कंसेप्ट में। तो पॉलिटिक कंसेप्ट में अभी जो सीरीज चल रहा है अभी वो आपको पता है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, मीन्स यहाँ पे मैं आपको ये मान के चलो द हिंदू में भी वो न्यूज आता होगा, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आता होगा, ग्राउंड डाउन अर्थ में आता होगा, डाउन टू अर्थ में आता होगा। तो एक एक चीज में यहाँ पे आपको क्या ना वो सब ऐसा नहीं है कि मैं एक एक दिन वो पढ़ा सकता हूँ, मैंने एक एक चीज करके उसको क्वेश्चन क्लियर करके मैंने आपको यहाँ पे एक मतलब मीन्स एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने का मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ, जिसको जो आई थिंक आपको आने वाले समय बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए मैंने आप क्या किया एक एक टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आपको स्टार्ट किया, क्योंकि देखो ये टॉपिक आपको क्या ना आपके जीएस पेपर में भी हेल्पफुल होगा, फिर जैसे इसमें जो अमेंडमेंट होते हैं या जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ये सारे के सारे चीज अनुसार से आपको एक एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर, जिससे कि अगर मान लो आप पेपर में अगर आप बैठते हो कोई भी पेपर बैठते हो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर रहेगा कि हाँ क्या होता है ट्राइबल पीपल या ये सब चीज़। तो मैं आपको आज आपको हर एक चीज़ को मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, पहले आपसे कोई पूछ ले कि ट्राइबल्स होते क्या है। देखो ट्राइबल सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये एक तरीके से ट्रेडिशनल सोसाइटी के एक पार्ट होते हैं। आपको पता है कि अभी सबसे पहली चीज़ आपने देखा होगा, आज एक कोई क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, क्वेश्चन ये है मैं तो बता ही दूंगा लेकिन अब आपको क्वेश्चन, अब मैं आ गया तो क्वेश्चन इसमें पूछ ही लेता हूँ कि एक ट्राइबल कम्युनिटी था कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में, उस पर अभी एक इशू क्रिएट हुआ था। तो प्लीज आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक कोई वहाँ पे फोटोग्राफर थे उसको मार दिया गया था, अगर आपको याद हो अगर आपने कभी न्यूज पढ़ा हो तो ये आपको क्या ना बताना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि वो कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी है जो अंडमान एंड निकोबार में है जिसकी वजह से ये सब हुआ था। तो देखो जो ट्राइबल जो पीपुल्स होते हैं वो क्या होता है सोशली डिविजन होता है, उनको क्या ना अपने ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनली जो सोसाइटी होता है उससे जैसे मतलब वो लिंक करना, जैसे कि मान लो वो सोशली हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, या रिलीजियसली जो भी चीज होता है वो क्या करते हुए एक तरीके से अपने आप को क्या ना एक जैसे सोसाइटी के थ्रू, जैसे मान लो कि कोई पेड़ पौधे या हर एक चीज उसको क्या करते हैं कॉमन कल्चर के साथ क्या करते हैं वो लिंक रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो ट्राइबल पीपल था उसका एक अलग यूनिक कल्चर भी होता है, यूनिक कल्चर होता है उसका, अलग से एक सोसाइटी भी होता है, वो क्या जो पॉलिटिकली इंटिटी या जो भी चीज उसमें आप कह लो वो अपना अलग से कैरेक्टरिस्टिक आपको डेवलप कर लेता है। आप देखते हो हर एक जगह, जैसे म्यांमार में हो गया, नागालैंड में हो गया, ट्राइबल्स हो गए, जैसे हर एक जगह झारखंड में आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो ये सब चीज़ का एक तरीके से सोशली जो डिवीजन होता है ट्रेडिशनली, ये एक हम अगर लोकल लैंग्वेज में ये बोले कि वो क्या करते हैं अपने आप को एक तरीके से अपने को ट्रेडिशनल फॉलो के थ्रू वो रखते, क्योंकि हम लोग आज का वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं, लेकिन आप किसी भी जो अगर आप जो देखते होगे जिसको हम लोग ट्राइबल पीपल कहते हैं वो अभी भी क्या होता है ट्रेडिशनल के साथ अभी भी फॉलो रहता है, पेड़ पौधे हो गया या जो भी चीज वो उसी के साथ वो उसको मतलब उसको अच्छा लगता है और उसी के साथ वो काम करना भी प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताने की ट्राइबल पीपल होता क्या, आपको ये चीज यहाँ पे पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है ना, आप देखो ट्राइबल पीपल में आपको ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है या क्या क्या उसका पर्पस है, ये हर एक चीज हम आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल 365
ये डिफाइन करता है किसको, शेड्यूल ट्राइब को। अब आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल ट्राइब क्या होता है, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो अब शेड्यूल ट्राइब होता क्या, ये ऐसी ट्राइबल और ट्राइबल कम्युनिटी होता है जो पार्ट ऑफ द ग्रुप होता है, जो क्या करता है, जो ट्राइबल कम्युनिटी होता है वो किसके अंदर, जो शेड्यूल जो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, इसमें आर्टिकल 342 के तहत ये शेड्यूल, इसको मतलब पर्पज क्या था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो आपको ये चीज़ पता होता है कि शेड्यूल ट्राइब क्या है। शेड्यूल ट्राइब में सीधी सी बात, इसका पर्पस जो भी है रिलेशन, जैसे कि मान लीजिए एक तरीके से पर्पस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, जो जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यहाँ पे आर्टिकल 342 के अंदर में आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सीधी सी बात ये है कि देखो ट्राइबल कम्युनिटी क्या, तो ये सीधे डोमिनेटेड इकोनॉमिक सोसाइटी होता है। डोमिनेटेड इकोनॉमिक सोसाइटी का क्या मतलब हो गया कि ये क्या होता है, एक तरीके से हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, या जो गैदरिंग हो गया, जैसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो गया, ये एक तरीके से इसी छोटी छोटी चीज़ों पर ये निर्भर करते हैं। एक एनिमल हस्बेंड्री भी हो जाता है एक तरीके से। तो ये एक तरीके से देखो, जब अगर हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग क्या ना कहीं भी जाके काम कर लेते हैं, मान लो कि हम लोगों ने अलग अलग डिफरेंट जगह पे, लेकिन इन लोग की जो है ना इसी बेसिस पे काम होता है कि फिशिंग से काम कर लिया, हंटिंग से काम कर लिया, ये एक तरीके से ट्रैवल। इसी की वजह से इसमें क्या होता है, ये अगर मान लो ये इसका जो इकोनॉमी का एक सेक्टर भी है, इन लोग के लिए इकोनॉमी का जरिया भी है, एक तरीके इसको चैलेंज फेस भी करना पड़ता है। क्योंकि देखो लॉट्स ऑफ द, अब आज के दौर में क्या, बहुत ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी कह सकते हैं। दूसरा क्या होगा, आपको पता है जो इसका सेंसस, अभी हम आगे की ओर पढ़ेंगे कि जो सेंसस था 2011 में, इसका लिटरेसी रेट हम लोग देखेंगे, लैक ऑफ एजुकेशन में इसमें पाया जाता है, क्योंकि ये लोग बाहर जाके पढ़ना प्रेफर ही नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन की भी बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। फिर उसके बाद जेंडर इशू भी, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें जो ये लोग फेस करते हैं। अब देखो ये लोग फेस तो करते, तो इसी चीज को भी बताया गया, जो आर्टिकल जो अकॉर्डिंग जो मतलब 2011 के जो सेंसस में था ना, उसमें यही चीज बताया गया। जो 2011 के सेंसस में, तो उसने क्या बोला, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है कितना है टोटल, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन अगर हमारे पास 100 है सपोज करो, ठीक है ना, तो उसका 9% क्या है ना ट्राइबल पॉपुलेशन है। देखो ट्राइबल पॉपुलेशन हर जगह पे, अगर आप सही से देखोगे तो देखो हर एक जगह पे थोड़ा ना थोड़ा आपको हर जगह मिलेगा। या मान लो महाराष्ट्र हो गया, या मान लो गुजरात, महाराष्ट्र के बाद या मान लो तुमको राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा भी ले सकते हो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चले जाओ, जो अपने नॉर्थ स्टेट है उधर चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, ये हर एक सिक्किम हो गया, यहाँ पे सिक्किम, तो हर एक जगह आपको क्या होगा ट्रैवल कहीं ना कहीं थोड़ा ही थोड़ी मात्रा में हर जगह, या कहीं ज़्यादा तो कहीं कम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे यही भी बताने की कोशिश की जा रही है, जो टोटल कितना 8%, मतलब 8.61%, मैं अप्रॉक्स 9 लेके चलता हूँ 2011 के सेंसस के अनुसार, अपने भारत का टोटल पॉपुलेशन का 9% क्या है ट्रैवल कम्युनिटी, ठीक है, ट्रैवल पॉपुलेशन है। और जिसमें जो 9% है उसमें 97% जो है ना वो कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में। देखो ये कोई पूछेगा नहीं आपसे कितने परसेंट या क्या, लेकिन आपको ये कहना, अगर मान लो किसी दिन मैं पेपर में आप आंसर लिखते हो, तो अगर आपको ये सब चीज़ अगर आप वहाँ पे हाईलाइट करके दोगे ना, तो वो टीचर को लगेगा कि बंदा मतलब अलग से कुछ पढ़ के आया। तो 97% अब जो भी जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, और ओनली 10-12-20% जो होते हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे ये यही चीज़ बता रहे कि देखो हर एक 10 साल में आपको पता है सेंसस होता ही है। अभी मैंने, अगर आपने सेंसस का मैंने वीडियो डाला हुआ, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार आप जाके वो सेंसस से रिलेटेड वीडियो पढ़ के देख लेना। अगर आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर कंसेप्ट नहीं हो जाए तो फिर मुझे बताना, मैंने बहुत मेहनत करके वो चीज़ बनाया है, तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर जाके देखना। उसके बाद क्या ना, ये था 2011 का था, और तो अगर 2001 का हम लोग ले लेते हैं, तो देखो 2001 और 11 के बीच में बताया जा रहा है कि ये जो 23.66 अगेंस्ट द 70%, ये इंटायर जो डिसिडियल ग्रोथ होता है ट्रैवल का, ये चीज़ बताने को। तो यहाँ पे ये सीधी सी बात है कि या तो ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे बोलने, अभी भी जैसे 2024-21 के सेंसस तो अभी आया नहीं है, लेकिन देखो इस बार डिजिटली होगा। अगर आपने, मैंने इसलिए बोला ना, एक बार सेंसस आप जाके पढ़ लेना, और कोई भी पेपर में बैठ जाना, आपको सेंसस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। इतना डिटेल में मैंने वहाँ पे आपको क्वेश्चन क्लियर करके बताया हुआ है, तो एक बार जाके आप वो चीज़ जरूर वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना। और नहीं, अगर आपको मिले वो वीडियो, तो मैं उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर फॉलो करना। वो चीज़ एक बार आप जाके देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ नहीं समझ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, जिससे मैं आगे उसको कोशिश से करूंगा सही करने की। तीसरा, अब हम लोग चलते हैं क्या, जिसमें 2011 के सेंसस में ये बोला गया जो सेक्स रेशियो, ओवरऑल सेक्स रेशियो था वो कितना था,
940 वुमेन था 1000 पे, ठीक है ना, 1000 मेल पे। लेकिन वही अगर हम शेड्यूल ट्राइब में चले जाए तो कितना था, 990 पर 1000 मेल पे। तो देखो ये लोग क्या है ना, ये लोग अपने तरह एजुकेटेड, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत एजुकेटेड, लेकिन हम लोग एजुकेटेड के नाम पे क्या ना एक तरीके से बहुत गलत काम करते हैं, बच्चे को मार देना या एजुकेशनल। अभी मैं मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड हर अब आने वाले समय में वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं अभी सोशो थोड़ा सो जो सोशियोलॉजी का जो कंसेप्ट है ना उसको मैं ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा हूँ करेंट के साथ, इसलिए वो थोड़ा अभी नहीं आ रहा है वीडियो, वो प्रिपेयर हो चुका है, बट मैं अभी थोड़ा सा सोशियोलॉजी का ऑप्शनल से रिलेटेड मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट वो जो आएगा तो बहुत ही झक्का झांसू फॉर्म में आएगा, वो एक बार कोशिश करके देख लेना, वो आपको नीचे भी नहीं मिलेगा तो ऊपर भी नहीं मिलेगा, इतना भयानक मैं अभी उस कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। तो क्या था 990, देखो ये लोग क्या नहीं, ये लोग फीमेल को मारते उड़ते नहीं है या भ्रूण हत्या नहीं करते हैं, ठीक है, ये सब सिर्फ हमारे हमारे आपके जैसे एजुकेटेड लोग ही करते हैं, ठीक है। आप बोलते तो एजुकेटेड ही, कुछ ऐसी ऐसी बातें होती है जो एजुकेटेड लोग बहुत करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे थे कि वहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब का जो पॉपुलेशन था 990 वुमेन से रिलेटेड वहाँ पे था। और यहाँ पे आपको कुछ भी है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, जो वीडियो इस वीडियो में आप देखो, इस फिगर में देखो कि हर एक जगह कहीं ना कहीं हर एक जगह आपको ट्राइबल पीपुल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद देखो टोटल ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो टोटल टॉप, आपको क्या ना ये भी पता होना चाहिए कि टोटल टॉप 10, अभी तो पहले मैंने आपको बताया एक इस सेंसस में, अभी मैं आगे और इस क्लियरिफाई करूंगा। जैसे मान लो कि अभी मैंने ये चीज सारा चीज बता दिया, जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश ले लो, आंध्र प्रदेश ले लो, आसाम ले लो, बिहार ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, गोवा ले लो, गुजरात ले लो, मतलब आपको हर एक जगह ट्राइबल पीपुल आपको मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं हर एक जगह ये चीज आपको मिलेगा। और ये चीज आपके लिए कंसेप्ट वाली बात है, आपको ये चीज समझ आना चाहिए कि भैया ये चीज है। अब देखो अभी मैंने ये सारा चीज़ बताया कि ये लोग क्या करते हैं, जो इसका ट्राइबल कम्युनिटी का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या है, वाइल्ड वाइल्ड हनी हो गया या जो भी, मतलब जैसे मतलब एक तरीके से नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा काम करते हैं, महुआ फ्लावर हो गया, यहाँ पे देख लो साल्फ लिव्स हो गया, या जो भी यहाँ पे दिया हुआ महुआ जो सीड्स हो गया, तो मतलब आपको जो नेचुरल से रिलेटेड वो हर एक चीज़ पे वो लोग क्या करते हैं, अपने इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करते हैं। आजकल वो लोग भी थोड़ा थोड़ा काम करने, जब से गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव उनके लिए लॉन्च किया है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है, चैलेंजेस क्या क्या वो लोग फेस कर रहे हैं, कि लॉस ऑफ द कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, एजुकेशन सेक्टर में हो गया, फिर क्या हो गया प्रॉब्लम हेल्थ, और क्योंकि ये लोग बाहर निकलेंगे नहीं तो हेल्थ एंड नेचुरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। जेंडर इशू हो गया यहाँ पे, आपने अगर एक मूवी देखी हो, मुझे याद नहीं है, हाँ एक मिनट, आई थिंक राजकुमार राव से रिलेटेड है, न्यूटन और पंकज तिवारी, आप वो मूवी देखना, वो मूवी में इसलिए बोला, उसमें आपको दो चीज समझ आएगा, एक तो इलेक्शन से रिलेटेड आपको समझ आएगा कि कैसे ट्राइबल पीपुल या जंगल जैसे होता है उस जगह पे कैसे किया जाता है, और दूसरा वहाँ पे ये समझ आएगा कि इन लोग कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं, वहाँ पे हर एक चीज कंसेप्ट वाइज क्लियर। अगर आप सही से वो मूवी देखिए, एक बार न्यूटन देख के देखना, वहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बहुत ऐसी चीज है जो आपको समझ आएगा। और दूसरा क्या होता है कि कुछ हमारे मतलब लोग हैं, जैसे कि कह सकते हैं आर्मी वगैरह, वहाँ पे उसके बारे में बताया गया कि वहाँ पे वो लोग कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं, और उसके बाद जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको कितना प्रॉब्लम फेस होता है। तो आप एक बार देखना, ये चीज़ जरूर देखना ये मूवी, यहाँ पे ये उसके चैलेंजेस और उसके जो फेसेस वो इंडियन सोसाइटी यहाँ पे बताया गया। अब देखो ये सब चीज मैंने आपको ट्राइबल कम्युनिटी के बेसिक चीज बताया, आप बोलोगे सर बेसिक क्यों बताया, देखो अभी मैं जब आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा तो अभी मैंने क्या क्या बेसिक बताया, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मैं बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड से बाद में बताऊंगा कि करंट में क्यों मैं ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, तो करंट उसको बाद में फिर उसको ऐड ऑन करूंगा, फिर ये चीज कैसे इंप्लीमेंट होता है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हर एक चीज में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या ना, कुछ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है जो सेफ गार्ड करता है, ऑटोमेटिक है यार, इसकी जनसंख्या बहुत कम है, अगर इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो आने वाले समय में क्या होगा कि इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और इसी चीज़ अगर ये सेफ गार्ड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो आपके लिए एक क्वेश्चन तो बनता है भैया यहाँ पे, कि अभी हमारे जो मिनिस्टर है कौन है, ट्रैवल एंड वेलफेयर जो मिनिस्टर है वो कौन है, इसको आपको जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर तो जरूर देना, नहीं तो मैं तो बाद में दे ही दूंगा, ठीक है। तो अब देखो गवर्नमेंट भी यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहा है, तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की, जो आर्टिकल 342 अभी मैंने पीछे ही बताया वो क्या कहता है, दे आर लेट डाउन द प्रेसिडेंट, ठीक है, मैं ये पढ़ के ही बताऊँ क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझ आना चाहिए। प्रेसिडेंट में भी पब्लिक नोटिफिकेशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे आपको पेपर में दे देगा और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पे लिख देगा प्राइम मिनिस्टर या
क्या लिख देगा, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ये लिख देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 342 में ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो पब्लिक नोटिफाई करेगा, वो स्पेसिफाई करेगा किसको, द ट्राइबल और द ट्राइबल कम्युनिटी, और या उसके पार्ट या उसके पर्पस को किसमें, या जो भी मतलब एक तरीके से जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया ना उसके बारे में या शेड्यूल ट्राइब के बारे में ये कौन नोटिफाई करेगा पब्लिकली, ये हमारे प्रेसिडेंट जी नोटिफाई करेंगे। अभी के हमारे प्रेसिडेंट कौन है ये भी एक क्वेश्चन आप रख लो, ये सबको याद होना चाहिए कौन है प्रेसिडेंट, ये आपको पता होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज कौन से, वो भी कहीं ना कोई ट्राइबल कम्युनिटी से ही आते, तो ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको हर एक चीज आपको क्या बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये पर्पस है, ये क्या उनका आर्टिकल 342। फिर आर्टिकल 164 में क्या कहता है, ये कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ द ट्रैवल एंड वेलफेयर हर एक स्टेट का, या तो बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, जिसमें लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, दे आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोवाइडेड फॉर ए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, हर एक स्टेट जहाँ पे इसकी जनसंख्या ज्यादा, आर्टिकल 164। आर्टिकल 244 फिफ्थ शेड्यूल, दे प्रोवाइड इंक्लूजन ऑफ ए फिफ्थ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो ये याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब ऑफ द स्टेट, ये आपको याद, अभी मैं बताऊंगा कि शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है, ये आगे भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करें, आर्टिकल 244 हमको क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन देता है किसको, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया वाले को, ठीक है ना, स्टेट किसी भी स्टेट को। आर्टिकल 275 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, ग्रांट जो प्रोवाइड कराता है, स्पेशल जो फंड होता है वो यूनियन गवर्नमेंट के, तो किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि वो क्या कर सके, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए, जो ट्राइबल कम्युनिटी उसकी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये पैसा वहाँ पे प्रोवाइड करा सके, ठीक है ना। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसके हेल्थ पे या वेलफेयर पे या न्यूट्रिशन पे वो प्रोवाइड करा सके। अब देखो ये भी हमने पढ़ लिया, ये क्या शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, अब क्या होता है ना, एक अभी इसका मैं आपको आगे भी जब पॉलिटी का जब इसका एक टॉपिक लेके आऊंगा तो उसमें मैं इसको और अच्छे से किस्टन क्लियर करूंगा, क्या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट SCNST, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो ये जो सेटअप किया गया था ना, ये 2004 में सेटअप किया था, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में किया गया था, लेकिन सेटअप कब किया गया था, 2004 में। इसमें क्या किया था, अमेंडमेंट किसको, 338 को अमेंडमेंट करके 338 यहाँ पे क्या किया गया था, डाला गया था। तो 338 को ए में क्या, आज के दौर में कोई पूछ ले क्या होगा, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो देखो इसका ये मतलब था ना कि अब हमको क्या है ना, बेसिक लेवल पे सब काम करना, पहले क्या होता था बल्क में होता था, लेकिन अब इसने क्या बोला, नहीं थोड़ा सा बेसिक लेवल में काम करना चाहिए। तो आपके लिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब का कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दोनों को सेपरेट किया गया था, तो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसी समय में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आया था जिसमें एक फंडामेंटल राइट को एड ऑन किया गया था, अगर आपको पता हो तो उसका आंसर जरूर दीजिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2003 में ही हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या ये आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में, तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये क्योंकि फंक्शन किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका काम क्या होता है, जो इसका सीधी सी बात है कि ये प्रॉपर एक गाइड प्रोवाइड कराता है, सीधी आप देखो ना अपने घर में ही ले लो, क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा वीक है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाते हैं उसको, कि वो टीचर आता है क्या करता है, उसको गाइड प्रोवाइड कराता है, या उसका मतलब एजुकेशन से बिल्डअप हो गया है हर एक चीज़ से रिलेटेड। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करेगा, इसके लिए एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कराया गया, जिससे क्या इसका प्रमोट किया, इसका मेन मकसद क्या है, इसको प्रमोट, इसका एजुकेशन प्रमोट हो, हेल्थ प्रमोट हो, इसका कल्चर एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट प्रमोट हो, मतलब ये एक तरीके से क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ऐड ऑन करके देती है, जिससे क्या उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना हो तो कम भी बेनिफिट ना हो, गवर्नमेंट उसको फुल एंड फुल सपोर्ट प्रोवाइड कराते। लेकिन यही चीज़ है कि ये लोग बाहर निकलना ही नहीं प्रेफर करते, अगर ये लोग बाहर निकले तो बहुत ही और अच्छे से ये लोग उभर के आएंगे। उसके बाद क्या, इसका कंपोजिशन क्या होता है, आपको ये याद रखना, कंपोजिशन में क्या होता है, आपसे पूछेगा क्या जो कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन और थ्री अदर मेंबर, जिसको कौन अपॉइंटमेंट करता है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है,
who is appointed the chairperson and the vice chairperson and the other members in the National Commission of the Scheduled Tribes. आई थिंक बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन करता है प्रेसिडेंट के थ्रू ये क्वेश्चन। इसलिए मैं बोला कि ये सब क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही आएगा, और एक तरीके से जो, और हाँ सबसे बड़ी बात क्या है, एटलीस्ट वन मेंबर बोला जा रहा है कि एटलीस्ट वन मेंबर दे शुड बी द वुमेन्स, बिल्कुल सही, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो चेयरपर्सन और वाइस चेयर अदर मेंबर है वो किस कितने टर्म के लिए होते हैं, 3 साल के लिए होते हैं, ये भी कोई, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये अभी मैंने लगा नहीं पाया, मैं दिखा देता कि ये पूछा गया था कि जो चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन अदर मेंबर है वो कितने साल के, 3 साल के लिए रहते हैं, लेकिन इसमें ये पूछा गया था जो मेंबर होते हैं वो क्या एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए एलिजिबल नॉट एलिजिबल फॉर मोर देन टू टर्म, एलिजिबल एक टर्म के लिए अगर लिखा जाए तो होते, लेकिन जैसे ही मोर देन टू टर्म वो अपॉइंटमेंट नहीं, वो एलिजिबल नहीं है, ये पेपर में पूछा गया था, यही लाइन से एक क्वेश्चन उठा था, जो चेयरपर्सन या जो भी मेंबर है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर मोर देन टू टर्म, ये आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो मेरा ये सीधा सा मोटिव है कि आपको मैं एक एक चीज़ यहाँ पे समझाने, अब देखो मैंने अभी आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब मैंने आपको समझाया, अब ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास कभी आएगा ऐसे, जैसे मैं पॉलिटिकल कंसेप्ट उठाऊंगा, चैप्टर उठाऊंगा, तो मैं उसमें आपको और स्टेजिक स्टेप क्लियर करूंगा, और अभी तक मैंने पॉलिटी का क्वेश्चन वो अपडेट कर दिया है, जहां तक मतलब एक तरीके से कह सकते हो 5th चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी तक मैंने अपडेट किया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे, वो अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेटेड है। अब देखो हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब पढ़ लिया, अब एक इसी में क्या देखो एकदम बेटर टू बेटर बना, जैसे मान लो कि बहुत ऐसे लोग होते क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा कोई बिजनेस करता है तो क्या करता है पहले एक बहुत मतलब एक छोटा सा नॉर्मल, तो फिर जब उसमें भी अगर तरक्की होता तो एक उससे बड़ा करता है जो मतलब पूरा सिक्योर कर सके। तो यहाँ पे भी देखो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया था, अब उसमें भी क्या कर दिया एक अलग ग्रुप दे दिया, किसको, ट्रैवल ग्रुप को, जिसको कहते हैं पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्रैवल ग्रुप, जिसको कहा जाता है पीवीटीजी। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बहुत आया हुआ है, अभी मैं आगे बताऊंगा, ये एक तरीके से ऐसा ग्रुप है ना पीवीटीजी, ये एक तरीके से मोर वल्नरेबल, जो ट्रैवल ग्रुप में भी होता है ना अमंग द मोर वल्नरेबल, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है, मोर डेवलप या एसोसिएटेड ट्रैवल ग्रुप है, इसमें एक तरीके से क्या जो फंड जो इसके लिए क्या मेजर चंक फंड जो होता है ना वो, क्योंकि ये एक तरीके से इसको क्या बिकॉज विच नीड मोर फंड डायरेक्टली फॉर द डेवलपमेंट, सीधी सी बात है इसको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत होती है, ये बहुत ज्यादा वनरेबल होता है, तो इसको क्या ना और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। कभी भी आपने देखा ना किसी भी स्टूडेंट का, अगर स्टूडेंट कोई वीक है तो उसको क्या ना बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज की जरूरत, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसको अलग से दो दो एक एक क्लास लगा के और उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया जाता है, तो यहाँ पे क्योंकि उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। तो पीवीटीजी का भी सेम मकसद है, जो पार्टिकुलर वनरेबल ट्रैवल ग्रुप, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है इसको क्या ना, ये तो पता चल गया कि इसको मोर नीड मोर फंड की जरूरत है, क्यों, डेवलपमेंट के लिए। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि चलो कब, तो इन 1975, और आपके ये क्वेश्चन है 1975 में हमारे जो प्रेसिडेंट या कह दो सॉरी प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने क्या कौन सा ऐसा बहुत बड़ा एक बहुत ड्रास्टिकली इनिशिएटिव इन्होंने लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो 1975 में जो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने डिक्लेयर किया था, पहले क्या था 52 थे ट्रैवल ग्रुप, 52 ट्रैवल ग्रुप पीवीटीजी के थे, फिर धीरे धीरे कमीशन बना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1973 में जिसको देवार कमीशन कहते, इन्होंने क्या किया था, इसको क्रिएट किया था पीटीजी मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटी 1973। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन दो में क्वेश्चन पूछूंगा, 1973 में कौन सा एक मतलब वो अमेंडमेंट हुआ था, केशवानंद भारती केस बोला जाता है उसको, 1973 में कुछ ऐसे चीजें हुए थे जैसे कि मान लो केशवानंद भारती केस एक हुआ था, दूसरा क्या था टाइगर प्रोजेक्ट उसी समय लॉन्च किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए, ये दो चीजें 1973 में, और तीसरा आपको कौन देहवर कमीशन भी आया था 1973 में किसके लिए, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्रैवल ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया तो क्या बढ़ा, उसको 1993 में 23 ग्रुप को और ऐड कर दिया गया, तो टोटल कितने 75 पीवीटीजी ग्रुप हो गया आउट ऑफ 705। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभी टोटल कितने पीवीटीजी
है, ठीक है। तो देखो सबसे आप ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटी जी कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में 13। उसके बाद उड़ीसा जो है ना, वो बोला गया कि जो आइडेंटिफाई किया गया 880 विलेजेज जो हेलमेट जो होता है ना, उसके तहत ये चीज बताया गया। और ये जो पीवीटीजी नोट टोटल भारत में नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। ये टोटल कहाँ स्प्रेड है, 18 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में, किसके सेंसस के अनुसार, 2011 के सेंसस के अनुसार ये चीज है यहाँ पे। तो प्लीज ये जितना मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की ना, वो आप एक बार जरूर इसको अच्छे से कंसेप्ट, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उससे कोई क्वेश्चन आता है 99% श्योर रहो कि नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं एक एक बेसिक चीज यहाँ पे क्लियर करने की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं पास्ट को भी एड ऑन कर रहा हूँ, जैसे आपका और वो चीज इंपॉर्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो यह पीवीटीजी कहाँ कहाँ स्प्रेड है, 18 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में, 2011 के सेंसस के अनुसार इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये टोटल क्या है ना, ये अगर आप वीडियो को रोक लेना और इसको आप पूरा एक बार देख लेना कि कहाँ पे कौन कौन सा पीवीटीजी है। पीवीटीजी जैसे आंध्र प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, गुजरात में हो गया, कर्नाटक में हो गया, केरला में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, मणिपुर हो गया, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार। आपको ये बताने की ये जो बिहार एंड झारखंड हो गया, ये कब अलग हुए थे, एक क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ये कब अलग हुए थे, दूसरा क्वेश्चन। और एक तरीके से मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ये कब अलग हुए थे, ये तीसरा क्वेश्चन, ये आपको बताना है। ये तीन के तीन क्वेश्चन यहाँ पे भी है आपके। तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे हम लोग और अभी बहुत ही मतलब एक तो बहुत मज़ेदार एक झक्कास सा पूरा चलेगा अभी, बस पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलाओ। मैं बता रहा, मैं जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना वो पूरा एकदम दिल और शिद्दत से, मैं ऐसा नहीं है कि ला के बैठ के पढ़ाऊँ। हाँ मानता हूँ कि मैं खोजना पड़ता है, क्योंकि आप 10 जगह ये चीज़ पढ़ोगे और एक जगह पढ़ोगे आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। अब 10 दिन में न्यूज़पेपर में आएगा, लेकिन मैं उसको पूरे को कवर करके एक न्यूज़पेपर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सोचो थोड़ा सा समय तो लगेगा, ये आप मान के चलो। ये पीवीटीजी के बारे में अब देखो, यहाँ पे मैंने एक पूरा ओवरव्यू दे दिया, टोटल 705 है जिसमें 75 पीवीटीजी है। ऑन एन एवरेज आपको देखना मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो आपको यहाँ पे देखना है। फिर आपको जो शेड्यूल ट्राइब है कहाँ पे कितना है और क्या है, यहाँ पे आपको टोटल 5 स्टेट है यूनियन टेरिटरी दिया हुआ जहाँ पे सबसे ज्यादा है, या आपको परसेंटेज वाइज जो स्टेट जो शेड्यूल का से शेड्यूल ट्राइब है बॉटम से कहाँ पे सबसे कम है और कहाँ पे उससे ज्यादा है, तो आपको ये कंसेप्ट पता हो। जैसे लक्षद्वीप हो गया सबसे ज्यादा है 94.8, मिजोरम ना मोस्टली ये किधर का है, नॉर्थ ईस्ट का ही है, मैंने पहले ही आपको बताया। बॉटम 5 स्टेट यूनियन टेरिटरी कौन कौन है, बॉटम 5 स्टेट यूनियन टेरिटरी कौन कौन है, ये यहाँ पे आपको जो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, केरला एंड उत्तराखंड, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अभी मैं शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट आगे में, तो ये आपको मैंने एक तरीके से ये एक ओवरव्यू दे दिया कि ये शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, बेनिफिट ही होगा आप उसको याद करके। मान लो कि मैं इसमें एक चीज और थोड़ा सा एक चीज और टॉपिक यही मैं ऐड कर देता हूँ, क्या स्पेशल प्रोविजन स्टेट, ठीक है ना, स्पेशल प्रोविजनल स्टेट, ठीक है। तो जो स्पेशल प्रोविजनल स्टेट उसकी यहाँ की जाए, जैसे अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 371 से चलते हैं, 371A। तो देखो 371A में क्या हो गया, नागालैंड, ये चीज समझा देता हूँ भाई, बाद में तुम खुद कहोगे। आर्टिकल 371B की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, आसाम। ये क्या है, स्पेशल प्रोविजनल, स्पेशल प्रोविजन है कोई। आर्टिकल मतलब आर्टिकल 371C की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, मणिपुर। अगर यहीं पे डी की बात करें तो डी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो डी अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश। ई की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ई की बात अगर हम यहाँ पे करें तो ABCDE की बात करें तो वहां पे भी आई थिंक वो भी आंध्र प्रदेश में ही है, आर्टिकल 371E, ये याद रख लेना, ठीक है। ई के बाद एफ की अगर हम बात करते तो एफ आ गया सिक्किम। अगर एफ के बाद जी की अगर हम यहाँ पे बात करते तो मिजोरम। जी के बाद अगर हम एच की यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम जी हाँ एच की अगर हम यहाँ पे बात करते सीधी सी बात है तो ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
एच के बाद अगर हम आर्टिकल 371 I की यहाँ पे बात करते थे, यहाँ पे क्या हो गया, हैदराबाद जो कर्नाटक वाला रीजन है, कर्नाटक रीजन। आई के बाद अगर हम जे की यहाँ पे बात करें, जे की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जे अगर हम यहाँ पे आर्टिकल 371 सॉरी आर्टिकल 371 I नहीं है यार, ये जे ही होगा, सॉरी हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद जो कर्नाटक वाला रीजन है वो जे ही है, ये याद रखना, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आई की बात यहाँ पे नहीं है। फिर अगर हम एक जो अगर मुंबई आर्टिकल 371 A B C D E F G H जे की, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया। अगर हम आर्टिकल सिर्फ एग्जैक्टली सिर्फ 371 की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 371 में यहाँ पे बोला गया कौन सा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये चीज बताते। ये तो क्या स्पेशल प्रोविजन था जो मैंने कुछ यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। अब बात आप बोलोगे सर इतना कैसे, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे मैंने एक एक चीज़ क्लियर कर दिया, क्या आर्टिकल जो क्या क्या मतलब ट्रैवल पीपल के रिगार्डिंग पहले मैंने क्या बताया कि ट्रैवल पीपल क्या होता है, पहला चीज़ मैंने बताया। फिर कौन कौन से आर्टिकल वहाँ पे मेंशन किए हुए थे आर्टिकल के बाद, अकॉर्डिंग टू द अगर हम थर्ड की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 तो मैंने वहाँ पे आपको समझाया कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। फिर सेक्स रेशियो मतलब सेक्स रेशियो जो मतलब ट्राइबल पीपल का वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। फिर पांचवा मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि टोटल 10 ऐसे स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट ट्राइबल पीपल का पॉपुलेशन है, वो चीज़ आपको देखना है। सिक्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या क्या ट्राइबल का इकोनॉमी है, वो मैंने वहाँ पे ट्रैवल इकोनॉमी की जो मैंने बात की वो चीज आपको देखना, क्या क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं इंडियन जो इंडियन ट्रैवल पीपल है उसकी मैंने बात की। फिर जो कुछ प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया। फिर मैं अगर बात करूँ कौन कौन से आर्टिकल का, फिर क्या होगा NJA मतलब NCST नेशनल जो नेशनल काउंसिल ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर द शेड्यूल ट्राइब के मैंने वहाँ पे आपको बात किया। फिर टेंथ अगर हम बात करें उसमें नेशनल काउंसिल फॉर द शेड्यूल ट्राइब मैंने आपको उसके मेंबर्स वगैरह क्लियर किए वहाँ पे, आपको उसमें कोई इशू हो तो एक बार आप मुझसे पूछ भी सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो PVTG की बात की मैंने, PVTG तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्रैवल ग्रुप, मतलब उस ट्रैवल ग्रुप में भी जो सबसे मतलब सेलेक्टेड है, तो उसमें अगर आपको एक क्वेश्चन आपको मुझे आंसर देना है कि सबसे ज्यादा कौन से मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने किसको डिक्लेयर किया कि सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से PVTG कौन से स्टेट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। 75 है किसमें, आई थिंक टोटल अगर PVT 75 है PVTG है ठीक है ना, तो उसमें भी सबसे ज्यादा किसके पास है, उड़ीसा के पास है, कितना है तो 13 है, ये याद रख लेना, ये मैंने आपको क्लियर किया, पीछे आप पूरा देखना, उड़ीसा एज द मैक्सिमम। और ये भी याद रखना कि PVTG पूरे स्टेट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी एंड 1 UT, ये पेपर में पूछा जाता है भैया, मैं इसलिए इतना क्लियर कर रहा हूँ ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है। 2019 यार ये क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि कुछ शेड्यूल एरिया दिए गए थे, बोला गया था कि अंडर विच शेड्यूल एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे कैन ट्रांसफर, वन मिनट, क्या ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू इसके रिगार्डिंग टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये आपके लिए क्वेश्चन था, अंडर विच, ये भी लिख देता हूं, अंडर विच शेड्यूल, अब आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर कौन से शेड्यूल में दिया गया था, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया भी गया था, कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ए मान लो दिया गया था क्या 5th शेड्यूल, ए दिया गया था मान लो 3rd शेड्यूल हो गया, बी दे दिया गया था मान लो 5th शेड्यूल हो गया, सी दे दिया गया था आपको क्या 9th शेड्यूल हो गया, या डी दे दिया गया था 10th शेड्यूल हो गया था।
आपको अब बताना है। तो ये आंसर इसका क्या हो गया, बी, फिफ्थ शेड्यूल। अंडर द फिफ्थ शेड्यूल के रिगार्डिंग क्या था, ये चीज डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको इसको डिक्लेयर किया था क्या, कि जो ट्रांसफर होता है लैंड टू द प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग के लिए, नल एंड वॉइड करार किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा, ऐसा ही एक आर्टिकल 2022 में भी क्वेश्चन था, फिर हम लोग बाद में इसको देखेंगे। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग, अब हम लोग आगे क्यों, अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके रिगार्डिंग है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो ये सब कुछ तो मैंने समझा दिया, अब इससे ऊपर उम्मीद मत रखना कि इसमें कोई क्वेश्चन भी अगर आए तो आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। अभी मैंने क्या बताया, काउंसिल ऑफ, पहले सीएम लेते, सीएम अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट एडवाइस बाय सीएम, समझ आ गए। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको समझा दिया। नाउ द नेक्स्ट बोला जा रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट द साइज ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर including the chief minister, they shall not exceed 15% of the total extent of the legislative assembly of the state. और question पूछा जा रहा है कि correct कौन सा है? देखो पहला point तो आपको मैंने बता दिया सही है। तो देखो constitution पहली करो, तो यहाँ पे constitution की अगर हम बात करें तो constitution ये कहीं पे specify है कि the state council, मतलब जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसमें मतलब जो बात किया जा रहा है, जो रैंकिंग ऑफ मिनिस्टर है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर की हम बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा पहले आप बीच बीच दो दो डिप्टी सीएम बनाए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखा होता तो क्या होता, कुछ भी हो जाता, एक ही डिप्टी सीएम बनता, लेकिन आज तक मैंने आपने देखा दो दो डिप्टी सीएम बना देते, जिससे क्या लगे कि वो भी मिनिस्ट्री में है। तो अभी हम लोग चलते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, अगर मान लो कि एग्जिस्टेंस होता है तो वो उनके जो मतलब एक तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, ये याद रखना, हम चीफ मिनिस्टर को भी इंक्लूड करते हैं, करते हुए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर मान लो किसी स्टेट की बात करें तो वो क्या बोला गया, 15% से वो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट में नहीं ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ था, ये पहले था, ठीक है, लेकिन जब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया हुआ था, ये याद है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, कब आया था, 2003 में, तो उसमें ये बोला गया था जो चीफ मिनिस्टर के साथ इन द स्टेट, किसी स्टेट में नॉट लेस देन 12, ठीक है ना, ये याद रख लेना, कम से कम 12 जो मिनिस्टर है ना वो होने चाहिए, नॉट लेस देन 12, ठीक है, इंक्लूडिंग द चीफ, मतलब एक तरीके से 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो क्या, एटलीस्ट 12 से, मतलब नॉट लेस देन 12, देखो 15% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए उसे, लेकिन 12 से भी कम नहीं होना चाहिए, उसमें इंक्लूड होना चाहिए कौन, सीएम भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है, ये अभी किसी स्टेट पीएससी में पूछा गया था ये चीज क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत ये चीज प्रावधान दिया गया था, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आया होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, पहला स्टेटमेंट सही। जो अपना ये लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग लास्ट तक आए हैं तो आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने देखा कि मैं करेंट के रिगार्डिंग जो भी पॉलिटी का एक एक चीज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आपको उसका क्वालिटी प्लस उसका जो टॉपिक होता है वो मैंने वहाँ पे क्लियर किया फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज मैंने आपको ये भी क्लियर किया कि करंट उसमें क्या ऐड ऑन हो सकता है, कौन कौन से आर्टिकल्स है वो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैंने यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर किया जिसमें हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी का, उसमें ट्राइबल कम्युनिटी के रिगार्डिंग मैंने एक एक ईच एंड एवरी जो उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ मैंने आपको क्लियर कराया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक या ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज आप क्या करना, हमारे चैनल को लाइक करना, लाइक करते करते अगर मन अच्छा लगे तो क्या करना, इसको जरूर शेयर कर देना, और शेयर स्पेशली उन लोगों के साथ करना, मैं ये चाहता हूँ
उन लोगों के साथ आप शेयर करो जिसको क्या कर सकते हैं, इन चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ मिल रहा है। तो आप क्या करना, उन लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल पे बने रहना, जिससे मैं आपको आगे आने वाले समय और अच्छा अच्छा वीडियो हर एक चीज़ के रिगार्डिंग आपको वहाँ मिले। यहाँ पे सब एजुकेशनल ही मिलेगा कुछ, और इंटरटेनमेंट का, एजुकेशन में आपको इंटरटेनमेंट घोषणा पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना, इसमें करंट अफेयर आपको पूरा का पूरा इंक्लूड रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगर लास्ट तक आए तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप क्या करें, हमारे चैनल के साथ बने रहे। और ये हमारा जो मीन्स मेल आईडी है, अगर कोई भी इशू हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेल कर सकते हो, या नहीं तो मीन्स वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, इसी के साथ हम आज आपसे अलविदा लेते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।